गुजरात के लगभग 1800 लोग जो उत्तराखंड के हरिद्वार के अंदर लॉकडाउन की वजह से फंस गए थे। रातों रात गृह मंत्रालय एक आदेश करता है उत्तराखंड के मुख्यमंत्री को, और फिर मुख्यमंत्री टूरिज्म डिपार्टमेंट की बसें लगाकर लग्जरी बसों से उनको गुजरात के अहमदाबाद शहर में छुड़वाते हैं। लेकिन अफसोस तब होता है जब उसी उत्तराखंड के और खास तौर से ऋषिकेश के, जो हरिद्वार के बिल्कुल बराबर का है, वहां के कुछ लड़के मुकेश और उसके साथी अहमदाबाद के अंदर फंसे होते हैं, जब वो लोग उन्हीं खाली बसों से वापस उत्तराखंड आना चाहते हैं, तो बस वाला उनसे 18,000 रुपए लेता है। बात यहीं खत्म नहीं होती, 18,000 रुपए लेने के बावजूद रात के अंधेरे में उनको हरियाणा में बाईपास के ऊपर उतार दिया जाता है, और वो नौजवान बच्चे सड़कों पर भटकते हैं और उनको कहीं कोई मदद नहीं मिल पाती है। शर्म की बात है उत्तराखंड सरकार के लिए कि जो लोग गुजरात के थे उनको तो आप छुड़वा सकते हैं, लेकिन जो लोग उत्तराखंड के थे वो बच्चे उन्हीं खाली बसों से वापस हरिद्वार नहीं आ सकते थे। आज वो बच्चे वहीं कहीं अनाथ आश्रम में रहने को मजबूर हैं, जो हरियाणा के अंदर बताया जा रहा है। दैनिक भास्कर के अंदर छपी हुई इस खबर के आधार पर मैं आप तमाम लोगों को ये कहना चाहता हूं कि आज देश के अंदर जो मीडिया एक माहौल बना रहा है, नफरतें बांट रहा है, इस मुश्किल की घड़ी में उनको वो लोग दिखाई नहीं दे रहे हैं जो सुबह से शाम तक कमाते हैं और तब जाकर उनके घर का चूल्हा जलता है। आज लोग भुखमरी की कगार पर पहुंच चुके हैं, मीडिया के लोगों को वो चेहरे नजर नहीं आ रहे हैं, लेकिन मीडिया का सारा ध्यान खास तौर से अर्णव गोस्वामी, रूबिका लियाकत, सुधीर चौधरी और अंजना ओम कश्यप जैसे पत्रकार जो अपना जमीर बेच चुके हैं, एक तरफा पत्रकारिता कर रहे हैं और उनका सारा का सारा ध्यान मरकज के ऊपर फोकस है। मानते हैं कि मरकज ने गलती की है, लेकिन गलती सरकार और प्रशासन की बराबर से है। मरकज ने कई सारे पत्र लिखकर प्रशासन से गुहार लगाई कि हमारे लोगों को वापस भेजा जाए, लेकिन उनको नजरअंदाज किया गया। इसके बाद मरकज के अंदर कुछ कोरोना पॉजिटिव लोग पाए जाते हैं, जिसके बाद उनको क्वारंटीन के अंदर रखा जाता है। तो आज जो पत्रकार ये कह रहे हैं कि मरकज के लोग विस्फोटक हैं, आतंकवादी हैं, ये सरासर घटिया बयानबाजी पत्रकारों की तरफ से की जा रही है, क्योंकि वो लोग या तो क्वारंटीन के अंदर हैं और कोई भी पब्लिक ट्रांसपोर्ट से वो लोग नहीं गए हैं। अगर वो लोग अपने घरों पर हैं तो लॉकडाउन की वजह से वो किसी के संपर्क में नहीं आए होंगे। इसलिए जो तकलीफ, जो पीड़ा उन लोगों को खुद को है, वो तकलीफ उन्हीं की है, वो फैलने वाली नहीं है, क्योंकि लॉकडाउन है, कोई भी उनके संपर्क में नहीं आ सकता। दूसरी चीज, जिस तरीके से मरकज के लोगों का कोरोना टेस्ट कराया जा रहा है, उनको ढूंढा जा रहा है, क्या उसी तरीके से इन 1800 लोगों का कोरोना टेस्ट कराया गया है जिनको हरिद्वार से गुजरात भेजा गया है, या नहीं कराया गया है? अगर नहीं कराया गया है तो क्या इन लोगों का भी कोरोना टेस्ट कराया जाएगा? जिस तरीके से पकड़ धकड़ मरकज के लोगों की हो रही है, क्या इन लोगों का टेस्ट नहीं होना चाहिए? क्या ये लोग किस किस के संपर्क में आए थे, 1800 लोग, इसकी जांच की जाएगी या नहीं? ये जवाब भी उत्तराखंड सरकार को देना चाहिए। मैं गुजारिश करता हूं तमाम देश के लोगों से कि आप ऐसे पत्रकारों का बाइकॉट करें, ऐसे चैनलों को देखना बंद करें, सब्सक्रिप्शन अपना खत्म करा दें ऐसे चैनलों का, तभी जाकर ये देश ठीक पटरी पर आ सकता है। ये लगातार नफरतें बांटने का काम कर रहे हैं इस संकट की घड़ी में। तो तमाम ऐसे लोग जो आज भुखमरी की कगार पर हैं, उनकी तरफ ध्यान देने की जरूरत है, न कि ऐसे पत्रकारों की तरफ जो एक तरफा पत्रकारिता करते हुए हिंदू और मुस्लिम के बीच में नफरत का जहर घोलने का काम कर रहे हैं। उनको सरकार का फेल्यूर तब नजर नहीं आता जब आनंद विहार के ऊपर लाखों लोग मजदूर इकट्ठे हो जाते हैं, अपने घरों को पलायन करने की मजबूरी में वो पैदल ही चल पड़ते हैं। उनको वो लोग नजर नहीं आते जब बरेली के अंदर केमिकल से
मजदूरों को नहा दिया जाता है वो इस पर बात नहीं करते, लेकिन हिंदू और मुसलमान लगातार ऐसे पत्रकार कर रहे हैं। ऐसे पत्रकारों का बायकॉट होना चाहिए।